जहां ब्रिटेन, रूस और अमेरिका समेत कई देशों में टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है, जबकि कई देश इसकी तैयारियों में जुटे हैं। वैक्सीन को लेकर देश में तैयारियां शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता टीकों की सुरक्षा और प्रभावी होने की रही है। हम उस पर कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि शायद जनवरी के किसी भी सप्ताह में हम भारत के लोगों को पहला कोरोना वैक्सीन का शॉट देने की स्थिति में हो सकते हैं। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहनॉम गेब्रेसस ने कहा कि इस महामारी की वैक्सीन कोवैक्स की करीब 2 अरब खुराक की खरीदी के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। संगठन का मकसद इस वैक्सीन को जरूरतमंद देशों में एक समान तरीके से उपलब्ध कराना है। संगठन की तरफ से उम्मीद जताई गई है कि मार्च 2021 तक इसको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। महानिदेशक के मुताबिक वैक्सीन को विभिन्न देशों में उपलब्ध कराने को लेकर भी खाका तैयार किया गया है। इसमें पहले जिन देशों ने इसको लेने की इच्छा जताई है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ये वैक्सीन मुहैया करवाई जाएगी। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।